असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से वायरल हैं, और इस बार कांवड़ यात्रा पर अपने तंज को लेकर ओवैसी ने उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार पर निशाना साधा है। और निशाना साधते हुए सुबह एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाते हैं और हमारे लोगों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं। उन्होंने चेतावनी देने के अंदाज में कहा कि यह देश मजहबी सोच के आधार पर नहीं चल सकता। एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए। दो दिन गुजर गए इन तस्वीरों के सामने आए। ये तस्वीरें जिनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों पर फूल बरसाए, उनके लिए किए गए इंतजामों का जायजा लिया। दो दिन बाद असदुद्दीन ओवैसी को एक दर्द सा उठा है या टीसी मची है। उन्होंने सुबह सुबह ही एक ट्वीट कर इस पूरे मामले को हिंदू वर्सेज मुसलमान में तब्दील कर दिया। उन्होंने योगी सरकार पर भी निशाना साधा और मोदी सरकार पर भी तंज करे, तीर छोड़े, कोई कसर नहीं छोड़ी, जिससे ये मामला गरमाई नहीं या दूसरे समुदाय के मन में ये सवाल न उठाए कि हाँ वाकई उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, उनका वीडियो बयान भी दिखाएं। आप देखिए उनका पूरा ट्वीट। पुलिस ने पंखुड़ियों की बौछार की, कांवड़ियों का झंडों से इस्तकबाल किया, उनके पैरों पर लोशन लगाया और उनके साथ इंतहाई शफकत से पेश आए। यूपी की हुकूमत ने यात्रा के रास्तों पर गोश्त पर पाबंदी लगा दी। मुसलमान खुली जगह पर चंद मिनटों के लिए नमाज भी अदा करे तो बवाल हो जाता है। ये भेदभाव क्यों? एक से नफरत और दूसरे से मोहब्बत क्यों? एक मजहब के लिए ट्रैफिक डायवर्ट और दूसरे के लिए बुलडोजर क्यों? चूंकि संसद का मानसून सीजन चल रहा है, वो संसद के अंदर थे। जैसे ही ओवैसी बाहर आए, आज तक ने उनसे सीधा सवाल किया, आप डिस्क्रिमिनेशन मत करिए, एक समुदाय से डिस्क्रिमिनेशन मत करिए। भाई अगर आप कांवर यात्रा पर फूल बरसा रहे, हेलीकॉप्टर से, टैक्स पेयर का पैसा बहुत अच्छा है, पुलिस ऑफिसर वर्दी में कांवरियों की पैरों की मालिश करता है बहुत अच्छा है, कालीगढ़ में पुलिस स्टेशन है वहाँ पर एक मुस्लिम ऑफिसर का नाम था, आपने नाम से निकलिया तो बहुत अच्छा है, गोश्त की दुकानें बंद करवा दी, रास्ते में लोहार की दुकान आ रही आपने बंद करवा दिया, मैं क्या जुल्म किया बताइए ना भाई। अगर वो कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा है, वेलकम कर रहे हैं, मुझे भी चंद मिनट के नमाज पढ़ने दीजिए। पर सरकार तो कहते हैं नमाज पढ़ते ही हैं ना, तो कहाँ पर, जहाँ पे डेजिग्नेटेड जगह है, डेजिग्नेटेड जगह, ये डेजिग्नेटेड जगह है, ये सब ये जो हो रहा है डेजिग्नेटेड जगह है क्या, बताइए आप। मगर यहाँ बात तो ये है कि कांवड़ यात्रा साल में एक बार होती है, हर हफ्ते नहीं, और जब रमजान की आखिरी नमाज होती है तो भी देश ने देखा अजमेर से लेकर जयपुर तक सड़कों पर नमाज होते, देश के अलग अलग हिस्सों में भी उन सामुदायिक जगहों पर जहां ट्रैफिक जाम होने का खतरा ना हो। यहां तो कांवड़ियों के लिए रूट डाइवर्ट रहता है, कांवड़िये उस रूट को ही तो फॉलो करते हैं। आर्टिकल 25 के तहत मुझे भी राइट है, हाँ, अगर आर्टिकल 25 में आप कहेंगे कि भाई पब्लिक ऑर्डर कोई क्रिएट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या किसी को हार्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप नॉन अवेलेबल सेक्शन लगा रहे हैं। अगर लुलू मॉल में तो कौन नमाज पढ़े को नहीं मालूम, 18 सेकंड में कोई नमाज होती है और काबे की तरफ भी रुख नहीं कर रहे हैं, वो कौन से खुदा के किबले की तरफ रुख करे मुझे नहीं मालूम, ये भी तो समझना चाहिए। देखो एक वर्ग की राजनीति ओबीसी करते हैं, भाजपा नहीं करती है, ना हमारी सरकारें करती हैं। जाति की राजनीति ओबीसी जी करते हैं, हमारे नेता तो सबका साथ सबका विकास सबकी बात करते हैं। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले लोग हैं और इसलिए उनकी ये सारी की सारी बातें एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए है। ये सब जानते हैं कि कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकली बात कभी वापस नहीं आती। खैर ओवैसी शायद चाहते भी नहीं कि वापस आए, वो चाहते हैं कि उनका तथाकथित नजरिया एक पूरे समुदाय तक फैल जाए। लेकिन उनके ट्वीट और बयान का असर ये हुआ है कि दूसरे पक्ष से भी रिएक्शन आया है, वो भी तल्ख।
तरह की भाषा निश्चित रूप से ये बहुत ही अलगाववादी भाषा है, निश्चित रूप से बहुत ही आपत्तिजनक है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। असुद्दीन ओवैसी को अपने ये इस तरह की हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरी, जो शिव भक्तों के खिलाफ नफरत पड़ी, घृणा भरी जो बातें हैं, ट्वीट है, उसको वापस लेना चाहिए और शिव भक्तों से माफी मांगना चाहिए। आपने कभी सुना कि पत्थर बरसाने वालों पे वो कुछ बोले? पत्थर बरसाने पे मौन है, फूल बरसाए तो पूछते हैं कौन है। अभी तो आपको सोचना चाहिए कि ये ओबीसी पत्थर जो फेंकते हैं, पत्थर बरसाते हैं, उन पे मौन क्यों रहते हैं? अगर फूल बरसा रहे हैं तो उन्हें आपत्ति हो रही है, ये चिंता की बात है जो ठीक नहीं है। ओबीसी ने एजेंडा सेट कर दिया है, उनका ट्वीट वायरल है, शायद वो अपने मकसद में कामयाब रहे, लेकिन रोज रोज के हिंदू मुसलमान वाले बयानों से हिंदुस्तान की फिजा में नफरत घुल रही है। भोपाल में रविश पाल सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।